इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वैगन आर की ट्यूनिंग किस तरह से की जाती है। ये है इसकी थ्रोटल बॉडी जो कि बहुत डस्टी हो चुकी है, इसको मैं वॉश करूंगा। ये हैं इसके स्पार्क प्लग जो कि बहुत गंदे हो चुके हैं, इसको भी हम वॉश करेंगे। ये न्यू लगे हुए हैं लेकिन काले कर लिया प्लग, इसको भी मैं वॉश करूँगा। और ये है इसका एयर फिल्टर जो कि बिल्कुल डस्टी हो चुका है, बंद हो चुका है, इसको भी हम चेंज करेंगे क्योंकि इसका फिल्टर जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। मैंने इसका कैटलेटिक कन्वर्टर खोल लिया है और इंजन की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो हेड के जो वाल हैं वो बिल्कुल कार्बन से भरे हुए हैं। इसका मसला ये है कि ट्यूनिंग जो है बहुत लेट करा रहे हैं और गंदा पेट्रोल इसके अंदर एंटर हुआ है। ये है इसका कैटलेटिक कन्वर्टर और इसके अंदर जो फिल्टर लगा होता है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। गाड़ी की जो माइलेज है वो बहुत ही कम दे रहे हैं। और ये है इसका ऑक्सीजन सेंसर जो कि ECM को रीडिंग देता है, इसको भी हम वॉश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने लिक्विड के साथ वॉश करके अभी पानी के साथ इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है काफ़ी कचरा फंसा हुआ था जो कि मैंने लिक्विड के साथ वॉश किया है और अब इसको पानी के साथ क्लीन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पहले से किस कदर साफ़ हो गया। अभी वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि ये अंदर से जो इसका कार्बन था वो भी मैंने वॉश कर दिया है। और कैटलेटिक कन्वर्टर का जो फ़िल्टर है जो बंद हो जाता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत कम हो जाती है, उसको भी मैंने लिक्विड के साथ साफ़ कर दिया है। ये ऑक्सीजन सेंसर है, इसको मैं बफ लगाऊँगा, इससे जो है इसकी जो एफिशेंसी है, फ्यूल एफिशेंसी है, वो भी बेहतर हो जाती है। ये हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर जो कि मैं मशीनरी पर वॉश करूंगा। बहावलपुर में पहली मर्तबा जो है ये मैं मशीनरी लेकर आया हूं। ये फ्यूल इंजेक्टर जो है गाड़ी में फ्यूल एवरेज को बेहतर बनाने का बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं और इसको वॉश करना ट्यूनिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो गाड़ी की फ्यूल एवरेज है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। इंजेक्टर जो है वो मशीनरी पर लग चुके हैं और इसको मैं वॉश कर रहा हूँ इंजेक्टर क्लीनर लिक्विड के साथ। ये मैंने 40 PSI का प्रेशर दिया है और इस पर जो है मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसके अंदर कार्बन है वो और वो आपके इंजन में जाएगा तो उसको बहुत डैमेज करेगा।